हेलो एवरीवन, सो सी यू टी द कॉलेज रियलिटी शो के अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड आज हम लेकर आए हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दिस इज कॉल्ड जेपी यूनिवर्सिटी एंड इसके बहुत सारे लस्करीन कैंपस है। एंड आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। एंड दिस इज एक इसका जो कैंपस है, दिस इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश इन दस लाइक माउंटेन हिल्स एंड हिमालयस एंड बड़ी बड़ी आई हाई हाई जो भी पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। इसका जो मेन कैंपस है, दिस इज एन प्राइवेट टाइप यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या सारा सीन है, क्या स्टूडेंट्स के रिव्यूज रहे हैं, क्या यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा हाई है, क्या यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा होता है, क्या ये सीयू से बेटर है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बेटर है, अदर से बेटर है, क्या इसका सारा सीन है, स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद कैसा फील करते हैं, क्या अथारा टोटल डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बनी रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज हम। ओके गाइस, तो जैसे कि हम जाते हैं जेपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो हम जनरली देखते हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी जेपी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो यार अगर अपन इसके कैंपस की बात करें तो सबसे अच्छा जो मेरे को कैंपस लगता है, दिस इज हिमाचल वाला है, क्योंकि वहाँ पे लस ग्रीन माउंटेन हिल्स एंड अदर मेनी मेनी हाई 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 मज़ा आ जाता है, ठीक है। देन अगर अपन देखें ऑलमोस्ट सारा एरिया वाइज या फिर प्लेसमेंट वाइज एजुकेशन वाइज, दिस इज वेरी बेस्ट कैंपस नोएडा कैंपस, मेन कैंपस। इसके टोटली 4 कैंपस आई थिंक अभी तक बन चुके हैं। ओके, एंड अगर अपन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज जस्ट लाइक वेरी गुड, ठीक है। जस्ट लाइक जो हमारे पास होता है बेड, वेरी बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड कैंपस। ओके, अगर अपन कैंपस में फैसिलिटीज की बात करें तो दिस इज यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, आप इंस्टा पे रील्स वीडियो बना सकते हैं आसानी से, राइट। एंड बास्केटबॉल ग्राउंड, कैफे क्राइटेरिया एंड जस्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री जस्ट लेब वगैरह आपको मिल जाएंगे, लेक्चर हॉल एंड थिएटर क्लासरूम वगैरह वगैरह देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड द एनवायरमेंटल इज वेरी एक्सीडेंट, द कॉलेज इज लोकेटेड फ्रॉम दस लाइक बोथ शलून एंड शिमला एंड नोएडा एंड मेनी मेनी जगह, राइट राइट राइट। एंड देर इज अ वेरी बिग बास्केटबॉल कोर्ट एंड अ स्मॉल फील्ड ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटी लाइक वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, राइट। एंड अगर अपन इसके कुछ स्टूडेंट्स ने बुरी चीज़ भी कही है, क्या कहा है किसी ने कि देर इज अ बिग बास्केटबॉल कोर्ट एंड ए स्मॉल फील्ड ऑफ फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। तो रियलिटी तो आपको पता चल ही गई होगी। प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो सम स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट कि भैया दिस इज वेरी बेस्ट कॉलेज फॉर वो स्टूडेंट्स परस्यूइंग जस्ट लाइक बीटेक इन सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड ईसीई, एंड दिस इज वेरी बेस्ट कॉलेज फॉर दिस टाइप ऑफ पर्सन स्टूडेंट्स। एंड अगर अपन सिविल मैकेनिकल वालों की बात करें तो उनका इतना प्लेसमेंट नहीं होता। हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर अपन देखें इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू गूगल एंड दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट जेयूईटी एंड अदर, तो इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है दिस इज आई थिंक 32 या 33 लाख तक का गया है। यहाँ पर 31 लाख, 30 लाख, 29 लाख तक का भी आप लोग को प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। एवरेज प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो 2 से 3 लाख रुपये का एवरेज प्लेसमेंट भी गया। लोएस्ट प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो 1 से 2 लाख का लोएस्ट प्लेसमेंट यहाँ से जाता है। एंड ओवरऑल अगर अपन प्लेसमेंट को रेटिंग दें दें दिस इज वेरी गुड एंड 10 out of 6 मार्क्स हम इसके प्लेसमेंट को देंगे। अगर अपन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रेटिंग दें दें दिस इज वेल एंड गुड एंड 10 out of 5 मार्क्स हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे। अगर अपन इसके फैकल्टीज की बात करें तो जस्ट लाइक विच इज वेरी गुड एंड जस्ट लाइक सम ऑफ फैकल्टी मेम्बर्स आर वेरी अमेजिंग एंड अदर एवरेज जस्ट लाइक रेगुलर कॉलेजेस की तरह। एंड मेन मोटिव 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी, अगर 75 अटेंडेंस नहीं है देन आपको फाइन पड़ेगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कॉलेजों का, राइट। एंड द कोर्स कुरिकुलम इज ऑलमोस्ट गुड एंड स्टडीज पेपर इज वेरी हार्ड, स्टूडेंट कोई कोई फेल हो जाता है बिकॉज पढ़ता नहीं है इसलिए। ओके, तो जस्ट लाइक कंपेयर टू द अदर कॉलेज टीचर्स आर ऑलमोस्ट गुड एंड जस्ट लाइक वेरी गुड एंड कॉलेज इवन नाउ एंड नॉट लिव फॉर द बेटर प्रोस्पेक्टस एंड फैकल्टी एंड द कोर्स करिकुलम इज जस्ट लाइक नॉट गुड, राइट। एंड टीचर्स आर नॉट मच कोऑपरेटिव बिकॉज वो समझते हैं कि आई एम बापू, ये मैं नहीं बोल रहा, कुछ स्टूडेंट ने लिख के मेरे को भेजा है कि भैया जो है कुछ टीचर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा बापू समझते हैं तो जस्ट लाइक डाउट पूछते हैं, तो जस्ट लाइक गर्ल्स को तो टीचर लोग जो होते हैं ना ऐसा बस ऐसे बच्चे होने चाहिए हमारे पास, और जब लड़के लोग पूछते हैं तो कान के नीचे से लगाते हैं, नालायक
पढ़ता नहीं है, पहले नहीं पूछ सकता था, टाइम खराब कर दिया कितने बच्चों का, राइट। तो जस्ट लाइक कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जस्ट लाइक जो है यहाँ के जो सीनियर मेंबर्स थे, दिस इज लेफ्ट द कॉलेज एंड अभी जो कंडीशन इज वेरी बैड, राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है। ओवरऑल अगर अपन देखें, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि दिस इज वेरी गुड एंड यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट या जस्ट लाइक 2 से 3 लाख का गया है, दिस इज वेल एंड गुड एंड यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल सकती है। अगर अपन इसके फीस स्ट्रक्चर की कंपेयर करें अदर देन जस्ट लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, तो यार उनसे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ऑलमोस्ट आप जस्ट लाइक कर सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो कॉलेज के बारे में, दिस इज़ वेल एंड गुड एंड इट इज़ अ वेरी बेस्ट प्लेस फॉर जस्ट लाइक योर इंजीनियरिंग लाइफ, राइट। एंड आपको जस्ट एक्सपोजर अच्छा ठीक ठाक मिल सकता है, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक आपको देखने को मिल सकती है, राइट। एंड यहाँ पे जो कुछ टीचर है, एक दो टीचर जो है कहा जाता है कि दिस इज़ फ्रॉम IITs एंड NITs, वेरी गुड नॉलेजेज, राइट, एंड फ्रॉम पैक चंडीगढ़ एंड अदर। एंड अगर अपन इसके जस्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर एक चीज़ और देखिए तो दिस इज गुड कहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, एंड द फैसिलिटी प्रोवाइड इन द हॉस्टल आज वर्स्ट, एवरीथिंग इज वेरी पोअर कंडीशन एंड नॉट वेल मेंटेन, द फूड क्वालिटी द इज वेरी बैड, राइट। बहुत ही गलत लगता है हमको यार। बेसिकली स्टूडेंट्स का मेरे को एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न यही आया था कि दिस कॉलेज इज वेरी बेस्ट फॉर जस्ट लाइक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे लाइक IT, CSE एंड ECE, उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, एंड जो नॉन टेक्निकल ब्रांचेज है उनको थोड़ा सा इश्यू आता है प्लेसमेंट के अंदर, और जो टेक्निकल वाले बंदे हैं जैसे कंप्यूटर साइंस है एंड जस्ट लाइक IT है और ECE वगैरह हैं, इनको